अब ये बताइए कि सूर्य की कौन सी राशि है? सूर्य की कौन सी राशि है? सूर्य किस राशि का स्वामी है? राशियों के स्वामी जी? सिंह राशि सर। हाँ, सिंह राशि। और चंद्रमा? कर्क कर्क राशि। कर्क राशि। राशि। और मंगल? मेष 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 और वृश्चिक। वृश्चिक सर। मेष और वृश्चिक जी दो पार्ट होते हैं ना। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे जो है 9 ग्रह हैं और 12 राशि जी हैं, और इसमें क्या है कि जो राहु और केतु हैं उनकी कोई राशि नहीं है, और बच गए 7 ग्रह, उसमें से भी सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि। सूर्य की जो है चंद्रमा की कर्क राशि। और जो मंगल है, मंगल की 2 राशियां, वृश्चिक। जैसे कि आपने बताया मेष और वृश्चिक, और उसके बाद बुध ग्रह, बुध की भी 2 राशियां जी कौन कौन सी? मिथुन और कन्या। हाँ, मिथुन और कन्या। कन्या और उसके बाद बृहस्पति की 2 राशियां, धनु और धनु मीन। और मीन। धनु और मीन। धनु और मीन। मीन। और उसके बाद शुक्र ग्रह की 2 राशि, वृषभ और तुला। तुला वृषभ और तुला। हाँ, वृषभ और तुला राशि। तुला और शनि की 2 राशियां, मकर और कुंभ। हाँ, मकर और कुंभ। ये जो है सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह की कौन सी राशि। जी। तभी जाके चीजें आगे ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि आगे जो प्रत्येक चीज है वो ग्रह और राशि पे ही निर्भर करेगी। तो पहले बात करते हैं ग्रहों की। तो पहले हैं सूर्य ग्रह। सूर्य को पिता का प्रतीक है। सूर्य ग्रह यह ब्रह्मांड की आत्मा है। अहम, सहानुभूति, प्रभाव, यश, स्वास्थ्य, दाएं नेत्र, क्योंकि सूर्य जो है वो आरोग्यता का कारण, आरोग्यता प्रदान करता है, जीवन की शक्ति है सूर्य। और सूर्य दाया नेत्र, दाएं नेत्र, नेत्र संबंधी विकार सूर्य के खराब होने पर नेत्र संबंधी विकार होते, क्योंकि सूर्य तेज है। जब भी द्वितीय द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो तो उसकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूर्य तेज है, सूर्य के तेज को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। दिन ऊर्जा, ऊर्जा का कारक है। औषधियां, जितनी भी औषधियां हैं या चिकित्सा क्षेत्र है उसका संबंध सूर्य से। जो वनस्पति है वो सूर्य के प्रभाव में ही तैयार होती है, इसीलिए वनस्पति का कारक भी माना गया, औषधियों का कारक माना गया। अधिकारी वर्ग, अधिकारी जो उच्च अधिकारी जी उनके ऊपर जो है वो सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य पिता का कारक है, यह राजा है, आदेश देता है। सूर्य जो है वो अनुशासनात्मक ग्रह है, खुद भी अनुशासन में रहता है और दूसरों से भी वैसी ही इच्छा रखता है। और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह,
सबसे जरूरी इनके तत्व हैं। हर ग्रह के और हर राशि का तत्व आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि, कौन सी राशि किस तत्व की है और ग्रह भी किस तत्व का, तब आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे और अच्छी तरह से फलादेश कर पाओगे कि क्या होना चाहिए कुंडली। और सूर्य राजनीति का कारक, कि राजनीति कहीं ना कहीं उच्च पद में आता है, जो आदेश देते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनको को जो है वो सूर्य से देखा जाता है। जब भी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सूर्य को देखा जाता है, सरकार का कारक। विज्ञान गौरव पराक्रम का कारक है। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य पितृ अर्थात पिता का कारक, प्रकृति लंबा लंबा कद अल्प बाल क्रूर ग्रह। सूर्य जो है वो पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, पर फिर भी क्रूरता कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो पाप से संबंध कर जाती है। और सूर्य अल्प बाल क्रूर ग्रह है और तांबे जैसे रंग जो है राजसी दार्शनिक है और पूंजी जहां उधार देने वाले कार्य है, धन जो है किसी को उधार देने वाले कार्य, ये भी सूर्य से देखे जैसे से रोगों से बचाने की शक्ति, क्योंकि सूर्य जो है वो जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, इसीलिए रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत होती है अगर सूर्य जो है वो प्रबल हो। सूर्य के कमजोर होने पर बहुत सी परेशानियां आती हैं और ये पद का प्रतीक। एक चीज मान के चलिए, यदि कुंडली में बाकी ग्रह कमजोर हो, अगर सूर्य के पास ही बल हो तब भी सूर्य जो है सब कुछ संभाल के रखता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मबल है और आत्मबल अगर बना रहे तो आदमी जो है अपने आत्मबल पर ही सब कुछ पा लेता है। जी बिल्कुल सही। लेकिन अगर आत्मबल कमजोर पड़ जाए तो बहुत परेशानी आ जाती है। चंद्रमा मन है, मन के बिना भी कोई कार्य नहीं किया जाता, लेकिन चंद्रमा कमजोर हो सूर्य मजबूत हो तब भी वो संभाल लेता है प्रत्येक चीज को। और सूर्य जो है इन पदार्थों का भी प्रतीक है, जैसे ईंधन हुआ, बिजली, चर्म, ऊन, सूखा अनाज, बीज तथा गेहूं सूर्य के अधीन आते हैं। सूर्य बीजों का विकास करता है और इन स्थानों पर सूर्य का जो है वो वास है, जैसे खुले स्थान है पर्वत, वन, प्रमुख शहर, पूजा के स्थान, न्यायालय, पूर्व दिशा या ऐसा स्थान जहां पानी ना हो। और अंग जैसे कि सिर, पेट, हड्डियां, सूर्य जो है वो हड्डियों का कारक। जब भी सूर्य कमजोर हो तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। ये हृदय हृदय रोग की प्रॉब्लम भी सूर्य के कमजोर होने पर हो जाती है, या नेत्र, मस्तिष्क, इनका प्रतीक है ये अंग, इन पे प्रभाव रहता है सूर्य का। और रोग उच्च रक्तचाप, तीव्र ज्वर, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह इसके कमजोर होने पर उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाना या तीव्र ज्वर, पेट तथा नेत्र संबंधी रोग हो जाना। और जो पित्त बीमारियां हैं वो भी अग्नि तत्व के बढ़ जाने के कारण हो जाती है।
तथा हृदय रोग देता है। सूर्य जो है पीड़ित होता है तथा जलीय राशियों में स्थित होता है जब, तो क्षय रोग, पेचिस रोग आदि देता है। इसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा है मन और माता का प्रतीक। इसका जो है शरीर जो है स्थूल, घुंघराले बाल और गोरा रंग तथा सुंदर आंखों का प्रतीक है। चंद्रमा मन, माता, भ्रमण की रुचि, रस, सम्मान, निद्रा, प्रसन्नता, धन, यात्रा, जल, अस्थिर मन का कारक है। जब एक कमजोर होता है तो अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन इसके प्रबल होने पर मन जो है वो प्रफुल्लित होता है और प्रत्येक कार्य में मन लगता है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा से कपड़ा हुआ, इससे जो तरलीय पदार्थ होते हैं उनका विचार किया जाता है चंद्रमा से। जैसे कपड़ा हुआ, दूध, शहद, मीठी वस्तुएं, चावल, जौ आदि का विचार किया जाता है। और स्थान जो है, चंद्रमा जो है वो जल का प्रतीक है और मनुष्य में लगभग 60% जल पाया जाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पे बहुत अधिक होता है व्यक्ति। इसलिए झील, समुद्र, नदियां, महानदी, पर्वत, महल आदि का जो विचार है वो चंद्रमा से किया जाता है। अंगों में नसें, मस्तिष्क, छाती, अंडाशय तथा जननांगों का विचार जो है सूर्य से किया जाता है और ब्लड का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। और रोग जो है, सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारी, अपच, मंदाग्नि आदि बीमारियों का कारक ग्रह, यह कफ तथा वायु का भी कारक ग्रह। और चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है और धातु इनकी जो है वो चांदी है। तो चंद्रमा का भी जो है कुंडली में प्रबल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर सूर्य का वो नहीं लिखा था धातु रत्न? क्या क्या बोल रहे आप? सूर्य का धातु रत्न जी, सूर्य की जो धातु है, वैसे आगे धातुएं आएंगी, सूर्य की धातु सोना, सोना भी वैसे, और तांबा है, ये मतलब पीली जो वस्त्र होते बेसिकली। और सूर्य जो है, सूर्य का रत्न जो है वो माणिक्य है, रूबी, माणिक। और सूर्य के, इसके चंद्रमा के खराब होने पर मानसिक तनाव की स्थिति बनती है, मन में घबराहट या मन में तरह तरह की शंका, कई बार तो व्यक्ति के मन में जो, यह व्यक्ति जो है नशीली पदार्थों की तरफ चला जाता है चंद्रमा के खराब होने पर। जैसे राहु आदि ग्रह यदि साथ हो, या द्वितीय भाव से संबंध हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो खाने पीने की चीजों का, तो जब भी जिस ग्रह का संबंध द्वितीय भाव से होगा, खराब ग्रह का होगा, खराब चीजों में ज्यादा होगा, और अगर शुभ ग्रह होगा तो अच्छी चीजों में ज्यादा। और चंद्रमा के बाद जो है मंगल ग्रह। मंगल जो है वो शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, पराक्रम है। मंगल में जो है वो ऊर्जा बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं,
और बड़े से बड़े कार्य को भी जिसमें किसी को सोचना पड़े, मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो है उसको आसानी से कर लेता है। लेकिन मंगल के खराब होने पर परेशानियां भी बहुत आती हैं, क्योंकि निर्णय बहुत जल्दी ले लेना वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है। जैसे पराक्रम, प्रतियोगिता क्रोध का कारक है, अग्नि तत्व ग्रह सबसे ज्यादा क्रोध जो है वो मंगल में देखा जाता है, क्योंकि सेनापति है और वेदों में जो है मंगल को अंगारक की संज्ञा दी गई है। यह क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु और विपक्ष, विवाद, लड़ने झगड़ने में मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो है बहुत आगे रहते हैं। जैसे लग्न में मंगल हो या चंद्रमा के साथ मंगल हो, या चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध हो या लग्न के साथ हो, तो उस तरह से इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। विवाद हुआ, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, युद्ध, दुर्घटना, दुर्घटना आदि का कारक भी बनता है। मंगल जो है ये भी ब्लड का कारक है और इससे भी जो है दुर्घटना आदि का विचार होता है, जब यह अशुभ स्थिति में हो या अष्टम भाव से संबंध बना ले। अग्नि और अग्नि से संबंधित जो कार्य हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। घाव, भूमि, जमीन इत्यादि का विचार मंगल से किया जाता है, प्रॉपर्टी का विचार मंगल से किया जाता है, वाहन आदि का विचार मंगल से किया जाता है, अचल संपत्ति, छोटा भाई मंगल से देखा जाता है, चाचे, चाचा के लड़के, नेता, पुलिस, पुलिस फौज आदि की जो नौकरी है वो मंगल से ही देखी जाती है। मंगल जो है वो सेनापति है। या जैसे सर्जन हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर, और अग्नि भय, आंखें, क्रूर प्रकृति, अस्थिर बुद्धि, मंगल से प्रभावित व्यक्ति की जो है वो बुद्धि जो है वो अस्थिर रहती है। स्वतंत्र प्रकृति का मंगल जो है की जो है वो स्वतंत्र प्रकृति है। मंगल किसी की बात सुनता नहीं है, मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो उसके मन में आएगा वही करेगा। इनसे अपनी बात मनवा लेना बहुत मुश्किल कार्य होता है। और दुराग्रही, युवा, छोटे भाई का, और फौजी प्रकृति, हवाई यात्राएं, हत्या करने वाले, क्योंकि सेनापति है, और मजदूरों के नेता का विचार जो है वो मंगल से किया जाता है। पदार्थ मंगल के सानिध्य में जो चीजें आती हैं, जैसे हथियार, भूमि, तंबाकू, सरसों, और स्थान जो है जैसे रसोई, इंजन, अग्निस्थल, अग्नि से संबंधित कोई भी स्थान हो वो मंगल के सानिध्य में आता है। युद्ध की भूमि, मंगल सेनापति है, पुलिस, पुलिस स्टेशन, अंग, रक्त, पेशी, पित्त, सिर, नाक, कान आदि का विचार जो है वो मंगल से किया जाता है। और रोग, रक्त संबंधी रोग, रक्त, ब्लड में कोई विकार आ जाए तो मंगल से देखा जाता है। उच्च या निम्न रक्तचाप, रक्तस्राव, अग्नि से जलना,
या गर्भपात जैसी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि जैसे पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, जब भी मंगल की दृष्टि या मंगल खराब स्थिति में हो या मंगल पंचम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव को दृष्ट करे, तो उसमें जैसे गर्भपात जैसी समस्याएं होती हैं। और जैसे अग्नि से जलना, और मंगल की जो धातु है वो तांबा है और सोना है, और इनका जो रत्न है वो मूंगा है। और आगे बुध, बुध जो है वो कुमार है, बालक है। जैसे बालक का एक बालक का स्वभाव होता है, ठीक उसी प्रकार बुध का भी स्वभाव है। जो अगर बुध जो है, इसीलिए बुध जो है शुभ ग्रह के साथ में आता है तो शुभ फल करता है, और अशुभ ग्रह के साथ में होता है तो अशुभ फल करता है। क्योंकि बालक का भी यही स्वभाव होता है, वो अच्छे लोगों की संगति में जाता है तो अच्छा सीखता है, और बुरे लोगों की संगति में जाता है तो बुरा बन जाता है। और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, और बुध जो है हास्य विनोद आदि का प्रतिनिधि ग्रह है। बहुत ज्यादा बोलना, उसके पास विविध विषय पर बहुत सी सारी सूचनाएं होती हैं। बुध ग्रह से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो बोलने में बहुत ज्यादा चतुर होता है। और दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करता है, इसीलिए बुध से बिजनेस का विचार किया जाता है मूल रूप से। यह जो है मित्तवई व्यापारिक प्रकृति वाला बुद्धिमता या वाणी पटुता, वाणी जो है प्रभावित दूसरों को प्रभावित करने वाली होती, तर्क अभिव्यक्ति बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और शिक्षा का कारक है, शिक्षण का कारक है। गणित मैथमेटिक्स से संबंधी जो है बुध का प्रभाव से जो है व्यक्ति जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है। डाकिया हुआ ज्योतिष, ज्योतिष में भी गणित का विचार होता है, इसीलिए बुध से एक ज्योतिषी का विचार भी किया जाता है। लेखाकार हुए, लेखन कार्य का विचार बुध से किया जाता है। व्यापार, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कमीशन एजेंट, प्रकाशन, राजनीति में मध्यवर्ती व्यक्ति जो है, और नाटक आदि का विचार जो है बुध से किया जाता है। धातुओं का मिश्रण, मामा मित्र और संबंधी आदि का विचार जो है वो बुध से किया जाता है। और बुध के सानिध्य में जो पदार्थ आते हैं, जैसे हरा चना, पन्ना, तिलहन, खाद्य तेल, पालक, मिश्रित धातुएं, जो हरे रंग की जो चीजें हैं वो बुध से संबंधित हैं। और स्थान, स्कूल, खेल के मैदान, पार्क, विश्वविद्यालय आदि। अंग जो है वो मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु, कंठ,
त्वचा भाग शक्ति क्योंकि वाणी का कारक है। और रोग कौन से होते हैं, स्मरण शक्ति की हानि। त्वचा की बीमारी, त्वचा संबंधी रोग जो है बुध के कमजोर होने पर या रोग भाव से संबंध होने पर होती है। दौरे, चेचक, कफ, बात, पित्त, उन्माद एवं गुंगापन, क्योंकि बुध वाणी का प्रतीक है। गुंगापन, यदि बुध कमजोर हो, पीड़ित हो, तो गुंगापन जैसी शिकायत भी हो जाती है। बुध का जो रत्न है वो है पन्ना, और धातु है पीतल और सोना। और इसके पश्चात जो है वो गुरु। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु विवेक, बुद्धिमता, शिक्षण, वीर की मार्शलता, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थान, ईश्वर के प्रति निष्ठा। बड़ा भाई, बड़े भाई का प्रतीक जो है वो बृहस्पति है, गुरु है। पवित्र स्थान, दार्शनिकता, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, सच्चाई का प्रतीक है दार्शनिक। प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाले धार्मिक, गुरु, अध्यापक, दान देना, परोपकार, मंत्री, सलाहकार, फलदार वृक्ष और पुत्र आदि का विचार जो है वो गुरु से किए। गुरु संतान का मूल कारक है, ज्ञान का कारक है, धन का कारक है। और गुरु जो है वो वृद्धि का कारक है। गुरु जहां बैठता है वहां से अधिक प्रभावी वहां होता है जहां पे गुरु की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि जो है वो अमृत के समान मानी गई है। गुरु एक सन्यासी की तरह है। जैसे कि गुरु जो है पंचम स्थान में, सप्तम में, ग्यारहवें भाव में या द्वितीय भाव में स्थान हानि भी करते हैं। 2, 5, 7, 9 में सर। जी जी बिल्कुल, स्थान हानि करते हैं। अपने स्थान जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, मतलब वहां पे दुष्प्रभाव डालेंगे। जी जी बिल्कुल, स्थान हानि करो जी। सर नाइन्थ हाउस तो उनका खुद का होता है सर। जी, नाइन्थ हाउस खुद का होता है, वो धर्म का है और गुरु का संबंध ही धर्म से है। जब सॉरी जी बताइए, अपने स्थान में रह के भी सर हानि ही करेंगे। जी बिल्कुल, अगर गुरु जो है दूसरे स्थान में अकेला बैठा हो जी, और अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा हो तो स्थान हानि नहीं करनी। अच्छा ठीक सर। और अगर उनकी राशि पड़ी हो, जैसे कि धनु या मीन राशि हो जी, या उच्च राशि में, तब भी स्थान हानि नहीं करनी। राशि पे भी निर्भर करेगा जी। देखिए गुरु को समझिए, गुरु क्या है? गुरु है एक सन्यासी, और दूसरा स्थान किसका? परिवार का। तो परिवार से सन्यासी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी,
और पंचम भाव संतान का, संतान का उससे भी मतलब नहीं, और सप्तम भाव मैरिज का होता है, और एका और ग्यारहवां भाव जो है वो आय का होता है, आय से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। पर यदि गुरु की दृष्टि इन भावों पर पड़ जाए तो प्रत्येक चीज में वृद्धि हो जाती है, जितना मिलना था उससे डबल मिलेगा। गुरु जो है वो वृद्धि का कारक है, जहां भी देखता है भले ही खुद कमजोर हो पर जहां पे दृष्टि होगी उस भाव को प्रबल कर देता है, उसके फल को बढ़ा देता है। गुरु जो है वो सबसे ज्यादा सुग्रह है, जहां पर भी दृष्टि डालता है उस भाव से जो संबंधित फल होंगे उनमें वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर आय पे दृष्टि डालेंगे तो आय की वृद्धि होगी। सर एक डाउट था, बताइए सर, गुरु आके संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, तो फिफ्थ हाउस में वो अच्छा क्यों नहीं है सर? फिफ्थ हाउस में अकेला गुरु जो है वो सुफल नहीं कर पाता। अगर वो पुत्र का कारक है ना, पुत्र का कारक है, संतान का कारक, पर संतान देने वाला है, जब भी गुरु की दृष्टि संतान भाव से हो जाए तो पुत्र कारक हो जाता है, संतान कारक होते हैं। पर गुरु के अकेले बैठने से उस भाव की हानि होती है। सर अगर नीच का गुरु उच्च अपनी उच्च राशि को देखे तो क्या होता है सर? नीच का गुरु देखिए उसका प्रभाव जो है वो पहले से ही नीच राशि में, पर फिर भी जिस भाव को देखेगा उस भाव की वृद्धि होगी। सर अपनी उच्च राशि को देखे तो जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो भी ग्रह नीच राशि में होता है उसकी सप्तम दृष्टि उच्च पे ही होगी, वो हमेशा अपनी उच्च राशि को ही देखता है। कोई भी ग्रह है okay. वो जब नीच में होता है तो अपनी उच्च राशि को देखता है, सप्तम दृष्टि होती है, प्रत्येक ग्रह की सप्तम दृष्टि, सातवीं दृष्टि किसी भी लगन में सर? जी बिल्कुल ठीक है, तो आगे आपको समझाएंगे जब दृष्टियों का वो आएगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरे भाव में बैठा हो तो धन नहीं टिकेगा। दूसरे भाव में है अगर अकेला बैठा है, अकेला हो दूसरे भाव में, अगर अकेला या दूसरे ग्रह के साथ बैठा हो तब भी सही है। अकेला हो तो कारक भी है ना उस ग्रह का, तो अगर अकेला बैठा हो तो इसके प्रभाव में कमी आती है। गुरु वैसे सबसे ज्यादा सुख ग्रह है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा उसे, पर ऐसा कि उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो सेहत ठीक रहेगी, जैसे आठवीं दृष्टि पड़ेगी उसकी, सातवीं दृष्टि आठवें घर पर पड़ेगी, आठवें घर पर पड़ेगी, सेहत के लिए अच्छा रहेगा द्वितीय स्थान से। हाँ सेहत के लिए तो वैसे भी अच्छा रहेगा क्योंकि दूसरे स्थान से उस रोग स्थान को भी देखेगा, अपनी पंचम दृष्टि से रोग स्थान को देखेगा। तो इसीलिए जहां पर दृष्टि पड़ेगी वहां पर वृद्धि करेगी। क्लियर हुआ? जैसे कि संतान का कारक है गुरु, और गुरु की संतान भाव में बैठकर हमने बहुत सी कुंडलियां देखी, जैसे अकेला गुरु जब भी पंचम भाव में होता है तो संतान प्राप्ति में कष्ट होता है, या एक चीज में प्रॉब्लम रहती है। दूसरा जो पंचम भाव है वो बुद्धि स्थान भी है, बुद्धि अच्छी होगी तो संतान के लिए परेशानी होगी, और अगर कहीं से दृष्टि डाल दे तो बहुत अच्छा होता है। और इसमें बहुत सी चीजें भी देखनी पड़ती है, जैसे कि अगर पंचम भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तत्कालिक मित्रता में है किसी ग्रह के साथ तो उसके फल में वृद्धि हो जाती है, या शुभ ग्रह से दृष्ट है तो वो बहुत सी चीजें मिला के फलादेश होता है। और जैसे कि गुरु जो है वो पीली चीजों का,
चने की दाल, या जैसे न्यायालय है, पाठशाला है, मंदिर है, धार्मिक स्थान है, यहां पर जो है वो एक गुरु के स्थान है। और किन अंगों को प्रभावित करता है? जैसे विवेक, शक्ति को, उदर को, जिगर, जंघा का कारक है। और रोग कौन से होते हैं? जिगर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, या मधुमेह रोग, जलोदर, या पाचन क्रिया के रोग, या वसा के द्वारा उत्पन्न रोग। पाचन पेट संबंधी परेशानियां भी होती हैं। जब भी गुरु का संबंध षष्ठ भाव से हो जाए तो गुरु पेट से संबंधित परेशानियां भी देता है। वसा क्या होता है? वसा होता है मोटापा, जो चर्बी होती है। और जब भी गुरु जो है वो मोटापा देता है, मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो गुरु की दशा में अगर षष्ठ रोग स्थान से संबंध हो जाए तो मोटापा अपनी दशा में दे देता है, अंतर दशा दशा में। शरीर को जो है वो मोटा बनाता है। जैसे वसा एक होता है कि शरीर जो है हष्ट पुष्ट है, मजबूत है, वैसा नहीं, शरीर को देता, मोटा करता है, चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है। अत्यधिक मोटे वाले जो होते हैं जी लोग। बिल्कुल। और गुरु के पश्चात है शुक्र। शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र जो है वो लग्जरियस लाइफ देने वाला है। ये पति पत्नी के संबंध उनके सुखों का कारक है, विवाह का कारक है। और बृहस्पति जो है वो विवाह करवाने वाला ग्रह है। जब भी आपने कुंडली में देखना हो कि विवाह जो है, विवाह की स्थिति कब बने, तो वो बृहस्पति से ही देखी जाएगी। विवाह को करवाने वाला जो है वो बृहस्पति है। और पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो आगे चलेगा विवाह के बाद की स्थिति है, वो शुक्र से देखी जाती है। वैसे तो दोनों से ही देखा जाता है इनका जो है। और विवाह, रति क्रिया, प्रेम संबंध, संगीत, काव्य, इत्र सुगंधित द्रव्य और घर की सजावट। शुक्र जो है वो जो सारी चमक धमक वाली चीजें हैं उनका विचार शुक्र से होता है। जो हम सौंदर्य से रिलेटेड जी बिल्कुल जो हमें सुख प्रदान करती हूँ, सजावट, ऐश्वर्य, दूसरों के साथ सहयोग, फूल, फूलदार वृक्ष, पौधे, सौंदर्य, और सौंदर्य का प्रतीक है। जिसके लगन में सूर्य शुक्र हो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। सुंदरता का प्रतीक जो है वो शुक्र है। शुक्र का संबंध किसी भी तरह से लगन या चंद्रमा से हो तो व्यक्ति जो है वो सुंदर होता है। आंखों की रोशनी, आभूषण, जलीय स्थान, क्योंकि शुक्र भी जल तत्व का ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र जो है वो जल तत्व के हैं दोनों। और सिल्कन कपड़ा, सफेद रंग, वाहन या शयन कक्ष, सुख साधन आदि। काले घुंघराले बाल, विशाल शरीर, कालिमा लिए रंग, चौड़ी आंखें, सुंदर चेहरा जो है। नाक नक्श का प्रतिनिधि है। शुक्राणु, रति का शौकीन, प्रेम संबंध, आकर्षण। शुक्र जो है वो आकर्षण का प्रतीक है। जिसका भी शुक्र लग्न में होगा उसके प्रति जो है लोग अनायास ही अचानक ही खींचे चले जाते हैं।
शुक्र में जो है वो आकर्षण बहुत ज्यादा है, शुक्र का प्रभाव जो है जिस पर होता है उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा रहता है, उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आकर्षण व्यक्तित्व का स्वामी है। नृत्य कला, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है सारी के सारी शुक्र से देखी जाती है। इंद्रिय सुख, ड्रामा या अभिनय करना सजावट का कारक है। शुक्र से संबंधित चीजें जैसे होटल से संबंधित चीजों का विचार भी, जैसे खाना खाने से संबंधित कोई भी बिजनेस हो उसका विचार जो है शुक्र से किया जाता है, खाने पीने से संबंधित, और कपड़े से संबंधित कोई बिजनेस हो वो शुक्र से देखा जाता है। पदार्थ, शुक्र जो है वो इत्र सजावट की वस्तुएं या सिल्क। स्थान जो है सैन कक्ष, सिनेमा, फवारा। अंग जो है रति क्रिया के अंग, लिंग मूत्राशय, बाल और शुक्राणु का प्रतीक। रोग जो है मधुमेह रोग, रति संबंधी रोग, गुप्त रोग, यौन असमर्थता, आंखों की कमजोरी और श्वेत प्रदर। और जो है शुक्र जो है वो स्पर्म का भी कारक है। और धातुएं जो है शुक्र की, शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा और धातु जो है वो चांदी है। और शुक्र के लिए जरकन भी धारण करते हैं, उपरतन जो रहता है। और शुक्र के बाद जो है वो है शनि। शनि जो है वो न्यायाधीश है और शनि वायु तत्व ग्रह है। और वायु का स्वभाव कैसा होता है, वायु क्या है, वायु में गंध होती है, वो जिस रूप में गंध को लेती है उसी रूप में देती है। तो शनि का भी क्या रहता है कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसी को उसी रूप में फल के रूप में देता है। और शनि जो है वो दीर्घकालिक ग्रह, एक राशि में 2.5 साल लगा देता है। और शनि वृद्धावस्था का कारक है, जीर्ण शीर्ण अवस्था का कारक है, इसीलिए रोग का विचार शनि से किया जाता है। और मृत्यु स्थान भी जो आयु का स्थान है वो भी शनि के उसमें आता है, क्योंकि शनि जो है वृद्धावस्था का कारक है। शनि से आयु, दुख, रोग, मृत्यु, संकट, अनादर और गरीबी, आजीविका, क्योंकि शनि जो है वो नौकर है, नौकरी से संबंध रखता है। मजदूर वर्ग जितना भी आता है वो शुक्र के शनि के उसमें सानिध्य में आता है, शनि से विचार किया जाता है। और आजीविका, अनैतिक तथा अधार्मिक कार्य और विदेशी भाषा, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षण, मेहनत वाले कार्य, कृषि व्यवसाय, लोहा, तेल, खनिज पदार्थ, पेट्रोल डीजल आदि, कोयला, लकड़ी आदि का विचार जो है वो शनि से किया जाता है। कर्मचारी वर्ग, सेवक या नौकरियां, किसी भी प्रकार की नौकरी है वो शनि के सानिध्य में आती है। चोरी, क्रूर कार्य, पंगुता, पंगुता लंगड़ापन, अंग भंग या लोभ
लालच, बिस्तर पर पड़े रहना, चार दीवारी में बंद रहना, जेल हॉस्पिटल में पड़े रहना, जोड़ों के दर्द। देखिए दो शनि की जो दोनों राशियां हैं वो एक घुटनों के ऊपर आती है और घुटनों के नीचे लगभग, तो इसीलिए शनि से जो है इन जोड़ों का विचार भी किया जाता है, जोड़ों संबंधी दर्द और कठोर वाणी आदि का, रूखे सूखे बाल, लंबे बड़े अंग, बड़े दांत तथा वृद्ध शरीर, काला रंग का दिखने वाला होता है। यह अशुभ ग्रह मंद गति से चलता है, निराशा तथा जुए का प्रतीक है। जुए का प्रतीक अर्थात गलत चीजों में रुचि रहती है व्यक्ति की, पदार्थ गंदे और अंधेरे स्थान, गुफा जंगल आदि का विचार शनि से किया जाता है। स्थान जैसे लोहा, काले चने, भांग, तेल, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन आदि चीजें जो है वो शनि के सानिध्य में आती है। अंग, दांत, कलाई, पीठ, पैर और रोग जो है सारे पुराने लाइलाज रोग, जिनका कोई उपचार ना हो ऐसे रोग जो है वो शनि से देखे जाते हैं। दांत, सांस, क्षय रोग, बातज, बातज क्योंकि बात रोग ये जो है वायु तत्व ग्रह है तो बातज रोग जो है इसी कारण शनि से देखा जाता है, और गुदा के रोग, जख्म, जोड़ों के दर्द आदि जो है वो शनि के उसमें आते हैं। और धातु और रत्न, शनि की जो धातु है वो लोहा है और रत्न है नीलम, और उसके बाद है राहु। तो राहु जो है वो राहु और केतु छाया ग्रह है, इनसे दादा दादा दादी का विचार, पूर्वजों का विचार किया जाता है, और कठोर वाणी, जुआ, भ्रामक तर्क, गतिशीलता, यात्राएं, विजातीय लोग, विदेशी लोग, विदेश यात्रा, विष, चोरी, दुष्टता, विधवा, धार्मिक यात्राएं और षड्यंत्रकारी, ये जो है वो षड्यंत्रकारी ग्रह राहु जो है वो षड्यंत्रकारी ग्रह है। और पदार्थ जो है इसमें आते हैं अंडे, नारियल, मांस आदि का विचार इनसे होता है। और अंग जो है पैर, श्वास, गर्दन, फेफड़े, और रोग सारे पुराने लाइलाज रोग, दांत, सांस, क्षय, बातज और जख्म, जोड़ों के दर्द आदि जो है राहु के उसमें। धातु जो है वो पंच धातु है और राहु का रत्न जो है वो गोमेद है, और उसके बाद है केतु। केतु भी छाया ग्रह है, केतु से अध्यात्म का विचार भी किया जाता है। अगर इसका संबंध अष्टम भाव से हो जाए, गुरु से हो जाए, केतु दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक, तंत्र, जादू टोना, कुत्ता, सींग वाले जो पशु हैं उनका विचार होता है, बहुरंगी पक्षी, मोक्ष, अचानक होने वाली घटनाएं, अशुभ धार्मिक प्रकृति, सांप्रदायिक कट्टरपंथी, घमंडी, स्वार्थी
और रोग जो होते हैं इनसे, जैसे जोड़ों के रोग, चेचक, हैजा तथा संक्रामक रोग जो संक्रमण से फैलते हैं। अब तो रत्न जो है तो केतु की धातु अष्ट धातु है और लसुनिया इनका जो है वो रत्न है, तो केतु के लिए लसुनिया रत्न धारण किया जाता है। तो शुभ और अशुभ ग्रह कौन है, शुभ ग्रह और कौन है अशुभ ग्रह? देखिए सबसे जो शुभ ग्रह, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और उसके बाद है शुक्र। वैदिक ज्योतिष में दो ग्रह हैं जो हमेशा शुभ रहते हैं, बृहस्पति और शुक्र, और उसके बाद है बुध। बुध का रहता है कि बुध जो है अगर शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ फल करेगा, और पाप ग्रहों के साथ होगा आप करेगा तो पाप फल करेगा। बुध का अपना स्वभाव नहीं होता, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही स्वभाव बना लेता है। सर, ये बालक वाला ग्रह है ना, बालक बालक ग्रह। और बुध के बाद है चंद्रमा। चंद्रमा जो है जब पक्षबली होता है तो शुभ माना जाता है, और जब पक्षहीन होता है तो कमजोर होता है। सर, पक्षवली का मतलब बता दीजिए। जी देखिए चंद्रमा जो है, पक्ष जो होता है वो दो पक्ष होते हैं एक मास में, शुक्ल पक्ष और शुक्ल कृष्ण। कृष्ण पक्ष। जब अमावस्या होती है तो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो अमावस्या है, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि जो है पूर्णमासी। वो पूर्णमासी है। तो जब अमावस्या होती है तो सूर्य और चंद्रमा जो है वो इकट्ठे होते हैं दोनों, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं हमेशा, और पूर्णमासी के दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से सप्तम पे एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हैं। और जैसे जैसे अमावस्या आती है तो चंद्रमा जो है वो घटता जाता है और शून्य हो जाता है, और जैसे ही शुक्ल पक्ष चलता है तो चंद्रमा जो है वो बढ़ना शुरू होता है। अमावस्या जैसे कृष्ण पक्ष चलता है तो चंद्रमा घटना शुरू होता है और अमावस्या को शून्य हो जाता है, और शुक्ल पक्ष चलता है तो चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है। जब आप एक आसान तरीके से यदि याद रखना चाहें तो जब पूर्णमासी होती है उससे 5 दिन पहले और 5 दिन बाद जो है चंद्रमा पक्षवली होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि चंद्रमा जो है पूर्णमासी को तो चंद्रमा पूरा हो जाता है, तो चतुर्दशी तिथि से जो है चंद्रमा का बढ़ना शुरू होता है, से चतुर्दशी तिथि से लेकर के और दसवीं तिथि से लेकर के चतुर्दशी तक। नहीं 10वीं तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक
चंद्रमा जो है वो शुभ माना जाता है। दसवीं से आगे की पांचवी, कृष्ण की पांचवी तक सर। हाँ, शुक्ल की पांचवी आखिर वाली 10 से 15 तक, और कृष्ण पक्ष की शुरू की 5 तिथि। ठीक। चंद्रमा जो है वो पक्षवली होता है, शुभ होता है। और उसके बाद जो अमावस्या के, वैसे चंद्रमा जो है वो अशुभ माना जाता है अमावस्या के 5 दिन पहले 5 दिन बाद। पूर्णमासी के 5 दिन पहले 5 दिन बाद वो शुभ, और अमावस्या के 5 दिन पहले 5 दिन बाद वो अशुभ, अशुभ माना जाता है। और उसके बाद जो है बारी आती है सूर्य की। सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है। पहले सबसे ज्यादा शुभ कौन? बृहस्पति। उससे कम शुक्र, और उससे कम बुध, और उससे कम चंद्रमा, और चंद्रमा से कम सूर्य। सूर्य जो है वो राजा है, उच्च पद है। उच्च पद पर बैठा व्यक्ति हमेशा उसको क्रूर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे राजा है तो उसको प्रजा की रक्षा के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसको सूर्य को पिता का प्रतीक माना जाता है, तो पिता भी कहीं ना कहीं पुत्र के लिए कभी कभी कठोरता का व्यवहार करता है। तो इसीलिए सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, इसीलिए उनको भी थोड़ा शुभ माना जाता है, थोड़ा। और सूर्य के बाद जो है बारी है मंगल की। मंगल है सेनापति और अग्नि तत्व का ग्रह, और मंगल में क्रोध बहुत ज्यादा है, और क्रोध जो है वो अशुभता का प्रतीक है। तो सूर्य से अशुभ मंगल, और मंगल से अशुभ शनि। सबसे अशुभ राहु, और सबसे ज्यादा अशुभ जो है वो राहु या केतु। दोनों राहु केतु समान उस एक ही उसमें आते हैं। सबसे अधिक जो पाप ग्रह है वो राहु है। राहु जो है वो षड्यंत्रकारी ग्रह है, बहुत ज्यादा पापी ग्रह है। देखिए राहु का प्रभाव जो है, जब भी सूर्य के साथ में जाता है तो ग्रहण दोष बना देता है, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बना देता है, और मंगल के साथ जाता है तो अंगारक दोष बना देता है, और बुध के साथ जाता है तो जड़त्व दोष बना देता है, और गुरु के साथ जाता है तो गुरु चांडाल दोष बना देता है। गुरु है ज्ञान। राहु जब भी गुरु के साथ होता है तो गुरु का स्वरूप धारण कर लेता है, वो दूसरे ग्रह का स्वरूप धारण कर लेगा, उसकी तरह बन जाएगा, गुरु की तरह बन जाता है। लेकिन काम जो करेगा वो अपने तरीके से करेगा। केवल ज्ञान ज्ञान उसको हो जाता है, ज्ञान वो गुरु से ले लेता है और गुरु की तरह बन जाता है, ज्ञानी होता है। परंतु जो गुण उसमें पाए जाते हैं वो राहु के होते हैं, उसको प्रभावित करता है अपने तरीके से। इसीलिए राहु को बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है, और इसका प्रभाव मन पे होता है। जब भी राहु की दशा चले, राहु का प्रभाव हो, तो
व्यक्ति जो वो गलत निर्णय लेता है और खुद फंस जाता है उसमें। इसीलिए राहु को सबसे अधिक अशुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में भले कितनी भी अच्छी स्थितियां हो, किसी बच्चे की कुंडली में यदि उसके शिक्षा के टाइम पे जो है राहु आ जाए तो शिक्षा को बाधित कर देता है, खराब कर देता है, गलत चीजों में डाल देता है। तो राहु का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा खराब माना गया है। और इसके बाद है ग्रहों की उच्च नीच राशियां और मूल त्रिकोण राशियां। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है और कितने डिग्री पर, 10 डिग्री पर। और वैसे ही जिस राशि में उच्च का होता है उससे सातवीं राशि में नीच का हो जाता है। सभी ग्रहों का ऐसा है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस अपनी उस राशि से सातवीं राशि में नीच का हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च का है 10 डिग्री पर, वैसे ही मेष से सातवीं राशि तुला, तुला और तुला के भी 10 डिग्री पर नीच का हो जाता है। ये जो 10 डिग्री है ये परम नीच होता है इस डिग्री पर। जैसे तुला के 10 डिग्री पर रहेगा और मेष के 10 डिग्री पर है। और सूर्य की जो है वो मूल त्रिकोण जो राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि में सूर्य जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होता है और 20 डिग्री के बाद जो है वो सिंह राशि का प्रभाव देता है, स्वराशि का प्रभाव देता है, अपनी राशि का प्रभाव देता है। जब भी कुंडली में सूर्य सिंह राशि के 20 डिग्री के बीच में होगा तो मूल त्रिकोण में होगा और 20 डिग्री के बाद में होगा तो स्वराशि का होगा, सिंह राशि का। और सूर्य के बाद है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो वृष राशि में उच्च का होता है। शुक्र की राशि वृष में 3 डिग्री तक उच्च का होता है, केवल 3 डिग्री तक ही उच्च का माना जाता है और उसके बाद जो है उच्च राशि में होता है। यहाँ पे परम उच्च की, परम उच्च होता है 3 डिग्री तक, फिर उच्च राशि में माना जाता है। और शनि जो है और अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में होता है, वृषभ राशि से सातवीं राशि वृश्चिक, तो वृश्चिक के भी 3 डिग्री तक ही नीच का होता है। और उसके बाद मंगल, तो मंगल जो है वो मकर राशि, शनि की मकर राशि में उच्च का माना जाता है 28 डिग्री तक। और मकर राशि से सातवीं राशि है कर्क, तो कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में मंगल जो है वो नीच का होता है। कर्क राशि में 28 डिग्री तक जो है मंगल नीच का होता है। और अपनी मेष राशि में मंगल की जो है वो मूल त्रिकोण राशि है मेष। मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, मूल त्रिकोण का
मेष में माना जाता है, 0 से लेकर के 12 डिग्री तक। और उसके बाद है बुध। तो बुध जो है वो अपनी ही राशि, बुध की राशि अपनी ही कन्या राशि में उच्चका होता है, अपनी ही राशि में उच्चका भी होता है और मूल त्रिकोण का भी उसी में कन्या में होता है। तो बुध जो है 15 डिग्री तक जो है उच्चका होता है कन्या राशि में, और कन्या से सातवीं राशि है मीन, बृहस्पति की राशि। तो मीन राशि में जो है बुध जो है वो नीच का माना जाता है 15 डिग्री तक ही, और बुध की कन्या ही राशि जो है मूल त्रिकोण है, 15 डिग्री तक उच्च का माना जाता है कन्या राशि में, और 15 डिग्री के बाद जो है वो मूल त्रिकोण का माना जाता है। और इसके पश्चात जो है गुरु है, तो गुरु की जो उच्च राशि है वो है कर्क। तो गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है 5 डिग्री तक। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, और कर्क राशि से सातवीं राशि है मकर, शनि की राशि। शनि की राशि में 5 डिग्री तक ही गुरु जो है वो नीच के माने जाते हैं, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु। तो धनु राशि के 0 से लेकर के 10 डिग्री तक जो है गुरु मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। गुरु जो है 0 से लेकर के 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। और आगे शुक्र, तो शुक्र जो है वो गुरु की राशि में मीन राशि में उच्च के होते हैं, और बुध की राशि कन्या में नीच के होते हैं। जो है शुक्र जो है गुरु की राशि मीन में उच्च के होते हैं 27 डिग्री तक, और बुध की राशि कन्या में 27 डिग्री तक नीच के होते हैं। और शुक्र जो है मूल त्रिकोण के होते हैं तुला राशि में, शुक्र जो है मूल त्रिकोण के तुला राशि में होते हैं 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक। जीरो डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक तुला राशि में होते हैं मूल त्रिकोण के। और उसके बाद शनि, तो शनि जो है शनि की उच्च राशि है तुला, और शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं, और तुला से सातवीं राशि है मेष, तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं 20 डिग्री तक। और शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ, तो कुंभ राशि में शनि 0 से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं। और उसके बाद जो है कुछ आचार्यों ने राहु केतु की भी उच्च राशियां मानी है, जैसे कि राहु की जो उच्च राशि मानी जाती है वो है मिथुन, और कुछ ने जो है राहु केतु की वृष राशि और मिथुन राशि दोनों को ही उच्च माना है।
कई ग्रंथों में जो है राहु की उच्च राशि वृषभ राशि भी मानी जाती है और कई ग्रंथों में मिथुन मानी जाती है। तो लगभग दोनों ही जो है अच्छा फल करते हैं दोनों राशियों में, क्योंकि राहु जो है शुक्र और बुध के मित्र मित्र हैं, तो इसीलिए दोनों राशियां इनके लिए शुभ भी है, प्रभाव भी शुभ ही देखा जाता है इनमें। और जैसे कि मिथुन या वृषभ लगन रहता है तो इसमें राहु का प्रभाव भी अच्छा ही माना जाता है। और वैसे ही नीच राशि है मिथुन राशि से सातवीं राशि धनु राशि, तो राहु जो है मिथुन राशि में 15 अंश तक, 15 डिग्री तक जो है उच्च के माने जाते हैं, और मिथुन से सातवीं राशि धनु में 15 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। और राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है कन्या, तो इनका भी बुध की तरह ही रहता है, 0 से लेकर के 15 डिग्री तक जो है राहु जो है वो मूल त्रिकोण की माने जाती है कन्या राशि की। वैसे राहु की जो है वो कन्या राशि स्वराशि भी मानी जाती है। और इसके बाद है केतु, तो केतु का उसे उल्टा है, जिसमें राहु उच्च के हैं उसमें केतु नीच का है, और जिसमें केतु नीच का है उसमें राहु उच्च के हैं। तो केतु की धनु राशि उच्च है 15 डिग्री तक, और मिथुन राशि जो है वो नीच है वो भी 15 डिग्री तक। और केतु जो है वो मीन राशि में 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। तो ये थे ग्रहों की उच्च नीच, ग्रहों के ग्रह जो है वो किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं।